हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम चैप्टर टू करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। करंटली हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो कि आपके जेके एसएसबी एग्जाम्स एंड आपके जेके पीएससी एग्जाम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेके एसएसबी से पटवारी में भी इंडियन इकोनॉमी है। आने वाले टाइम में नायब तहसीलदार वगैरह की पोस्ट आ रही है, तो उसमें भी इंडियन इकोनॉमी रहेगा। एंड केएस में प्री मेंस दोनों में इंडियन इकोनॉमी है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। फॉलो करंट क्रंच इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एस एस बी एग्जाम्स, जेके एस और यूपीएससी एग्जाम्स एंड योर ऑप्शनल इज सोशोलॉजी। तो जेके एस एस बी में वी हैव ऑलरेडी कवर सुपरवाइजर एग्जाम एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर पटवारी, नायब तहसीलदार, कॉन्स्टेबल। जैसे भी आपकी नई पोस्ट आती है, आपके जो भी उसका कंटेंट होगा वो इस चैनल पे कवर किया जाएगा। प्लस अगर आपको कोई भी पीडीएफ इन चीजों से रिलेटेड डाउनलोड करना है, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड ऑल द कंटेंट दैट आई अपलोड देयर। एंड अगर आप जेकेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जनरल स्टडीज से रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलेंगे। प्लस सोशोलॉजी ऑप्शनल है, वो भी हम इस चैनल पे कवर करवा रहे हैं। ठीक है, एंड आने वाले टाइम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज जैसी चीजें, वो सारा इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। आई एम वर्किंग ऑन इट, इसका मैं मॉड्यूल तैयार कर रही हूँ, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। एंड अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या केएस के लिए एंड आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है, तो आपको चैनल काफी फायदा देगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी जो है वो कवर करवाया हुआ है। एंड सोशोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस एंड इसका टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे आने वाले टाइम में दिख जाएंगी। तो पहला टॉपिक जो हमें यहाँ पे कवर करना है, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, चैप्टर हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं ना, तो दोनों टर्म्स है अलग है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एक कंट्री ने ग्रो किया है, दैट मीन्स उनका जो रियल लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, इसका क्या मतलब हो गया, उनका जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। जब हम बोल रहे हैं जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, वो क्वांटिटेटिवली मेजर होगा ना, हमें पता होता है किस क्वांटिटी में जीडीपी बढ़ा है, कितने परसेंटेज जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुआ है। तो अगर आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री में डेवलपमेंट भी हो रही है। डेवलपमेंट को हम किन चीजों पे मेजर करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इंक्रीज इन कंट्रीज रियल लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, ठीक है, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो दिस इज नथिंग बट योर जीडीपी। एंड अगर हम इसको सेक्टर वाइज अलग देखेंगे तो दैट इज योर जीवीए। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय एन इंक्रीज इन द कंट्री जीडीपी। अगेन सेम, ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, दैट मीन देयर इज कंटीन्यूअस एक्सपेंशन इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वन टाइम इसने ग्रो कर लिया एंड दैट्स इट, इकोनॉमी आपकी ग्रो हो गई एंड दैट्स इट। ठीक है, ये नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन हो गई, ग्रो होगी, कभी कम भी होगी, ठीक है, फिर से ग्रो करेगी। ये एक पीरियोडिकल वे में चलता जाएगा और ना कि एक वन शॉट एक्सपेंशन हो जाएगा एंड इट विल स्टॉप। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए इसको डायनामिक कॉन्सेप्ट बोला जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन इसका होता है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब जो हम लेवल ऑफ आउटपुट बोलते हैं या आउटपुट एक्सपेंशन बोलते हैं, वो क्या होता है, क्या वो सिर्फ जीडीपी का बढ़ना हुआ या उसमें कुछ और भी आता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम आउटपुट एक्सपेंशन को ब्रेक करते हैं दो टर्म्स में। उसमें एक्सटेंसिव ग्रोथ भी आती है एंड योर इंटेंसिव ग्रोथ भी आती है। एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है आपका ग्रोथ इन जीडीपी, ग्रोथ इन जीडीपी, ठीक है, और इंटेंसिव ग्रोथ होता है, देखो एक्सटेंसिव हो गया पूरा, जो एक्सटेंड पूरा जिसमें इंक्लूड होगा आपका सारा जीडीपी, और इंटेंसिव होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम पर कैपिटा ग्रोथ देखते हैं, पर कैपिटा ग्रोथ, दैट मीन्स पर पर्सन ग्रोथ। ठीक है, अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हो, ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या ये आपका पर कैपिटा ग्रोथ दिखा रहा है कि नहीं, दैट मीन्स आपके सारे इस इकोनॉमी की ग्रो करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हर इंडिविजुअल के पास चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है, दैट इज अ इंटेंसिव ग्रोथ, अंदर की क्या ग्रोथ हो रही है, लोगों की क्या ग्रोथ हो रही है, व्हाट इज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल, व्हाट इज अवेलेबल टू द
इंडिविजुअल, ठीक है, दैट इज योर इंटेंसिव ग्रोथ। तो ये क्लियर हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब हम थोड़ा देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट क्या होता है, पहले क्या होता था, ये डेवलपमेंट जो एक रीसेंट ट्रेंड है, ठीक है। पहले हम जैसे जीडीपी कैलकुलेट करते थे, ग्रोथ कैलकुलेट करते थे, तो जो इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिसी मेकर्स थे, उनका मानना था कंट्री अगर ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो साइमल्टेनियसली आपकी डेवलपमेंट भी हो ही रही है, ठीक है। इसको पहले एक ही टर्म माना जाता था। लेकिन 1960s में क्या हुआ, इकोनॉमिस्ट केम अक्रॉस मेनी कंट्रीज जहां पे ग्रोथ वॉज हायर लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो कंपेरेटिवली लोअर थी। देखो अगर कंट्री में कुछ चंद लोग जो हैं वो अमीर हैं काफी, तो उनका काम करें, मैन्युफैक्चर करें, प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो आपका जीडीपी तो शो करेगा कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका काफी तबका जो है सोसाइटी का वो अभी भी पुअर है, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो तो इंक्रीज नहीं हो जाएगी ना सबकी, वो सिर्फ उसी एक लॉट की हो जाएगी जो वाला जो लॉट काफी अमीर होगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन की इंक्रीज नहीं हो जाएगी। तो यही चीज जो है, ये इकोनॉमिस्ट जो है दे केम अक्रॉस दिस थिंग कि काफी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो एंड नॉट ओनली रिलाइंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ टू शो हाउ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी इज डूइंग, ठीक है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द इकोनॉमी विच माइट बी सीन इन अकॉर्डेंस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सो मेनी वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब इकोनॉमिस्ट जो है ये डेवलपमेंट किस मेजर पे करते हैं, क्या यार्ड स्टिक है उनका डेवलपमेंट का मेजर करने का, क्या इंडिकेटर्स है दैट विच आर एज फॉलोज, कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन क्या है लोगों का, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का रीच क्या है कि कितने लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर जो है उसको अवेल करने की, कितने लोग जो है इस चीज में एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड अगर वो हेल्थ पे स्पेंड करें तो क्या वो दोबारा गरीब हो जाएंगे, दैट मीन्स हेल्थ एक्सपेंडिचर में क्या उनका इतना सारा पैसा जाएगा कि फिर से वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ हाउ द इकोनॉमी इज डेवलपिंग, द लेवल ऑफ एजुकेशन अमंग द पीपल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें और भी कई चीजें हैं, इन मेजर्स पे बताया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, ठीक। एंड डाइवर्स केसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे पास क्या है, वी कैन हैव हायर ग्रोथ एंड ऑल्सो हायर डेवलपमेंट, दैट मीन्स ऐसी कंट्रीज भी हो सकती हैं जहां जीडीपी भी ग्रो हो रहा है एंड साथ साथ में डेवलपमेंट भी ग्रो हो रही है, दैट मीन्स एजुकेशन इज गुड, ठीक है, क्राइम रेट भी कम है एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो गुड, ठीक, आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबके लिए अवेलेबल है, दैट मीन्स जीडीपी इज ऑल्सो डूइंग गुड एंड साइमल्टेनियसली योर कंट्री इज ऑल्सो डेवलपिंग। बट वी कैन ऑल्सो हैव द केस ऑफ हायर ग्रोथ वेर योर जीडीपी इज हायर बट स्टिल योर डेवलपमेंट इज लोअर, ठीक है। तो काफी कंट्रीज है जहां पे इकोनॉमिकली दे कैन डू वेल पर वो डेवलप नहीं कर रही होंगी, देर डेवलपमेंट वुड बी स्टिल लोअर। एंड देन वी कैन हैव अ केस ऑफ लोअर ग्रोथ, दैट मीन्स आपका जीडीपी कम है बट डेवलपमेंट हायर है। अभी किन कंट्रीज में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कंट्रीज जहां पे पॉपुलेशन कम है, लेस पॉपुलेशन, अगर आप वहां की जीडीपी इंडिया की जीडीपी के साथ देखोगे तो उनकी जीडीपी कम होगी क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो है वो भी उसी अकॉर्डिंग कम होगी। तो अगर आप मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखोगे वो कम हो सकता है अगर आप कंपेयर करोगे उसको किसी दूसरी बड़ी कंट्री के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है। आप स्विट्जरलैंड की एग्जाम्पल ले लो, छोटी कंट्री है, जीडीपी इंडिया से कम है बट दैट इज हाईली डेवलप्ड, ठीक है। तो वी कैन हैव दिस केस ऑल्सो। अब आगे चलते हैं, इनकी कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। ये मैंने पेज स्कैन किया हुआ है, अगर विजिबल नहीं है तो इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी, वहां से आप जूम करके देख सकते हो फिर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं ना, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रही है, आपका हेल्थ सेक्टर कैसा है, ठीक है, आपके बाकी सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे कर रहे हैं, फाइन पॉवर्टी लेवल कितना है, एजुकेशन कितना है, तो ये आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ हम बोलते हैं इट इज कंसर्न विद द इंक्रीज इन इकोनॉमीज आउटपुट, ये सिर्फ आपको जीडीपी की ही मेजरली जो है बात वो बताता है। डेवलपमेंट जो है रिलेट करता है टू ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस, जैसे इनइक्वालिटी फिगर्स कंट्री में कम हुए हैं कि नहीं, तो जनरल पॉपुलेशन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो चेंज हुई है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीडीपी पे बात करेगा कि कंजम्पशन कितनी बड़ी है, इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, एक्सपोर्ट्स कितने हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है। तो जब मैंने आपको जीडीपी वाला चैप्टर पढ़ाया, ये सारी टर्म्स हमने वहां डिस्कस की है ना, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीडीपी, हमने इन्वेस्टमेंट की भी बात की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की भी, जब हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी मैंने आपको बताया। तो जो जितने भी ये टर्म्स हम जीडीपी में पढ़ते हैं उन सारे टर्म्स में
कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ बताएगा। लेकिन जो इंडेक्सेस है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस है, जैसे इनइक्वालिटी फिगर्स कितनी कम हो गई, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंक्रीज हुई है, वो सारी चीजें क्या आपको बताएंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये बताता है चेंज इन इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द प्रोग्रेसिव चेंज इन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के चेंज की बात करता है, एंड ये किसकी बात करता है कि कितना इंक्रीज हो गया है आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, इंक्रीज इन द इनकम एंड सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में कितना इंक्रीज हुआ है, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया। ये क्वालिटेटिव होता है एंड ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है दैट मीन्स आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो ना जीडीपी को, कि कितने परसेंट से जीडीपी है, कितनी इंक्रीज एंड कितनी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे और एक टर्म लिखी हुई है, इंक्रीज इन द रियल जीडीपी शोन बाय पीपीएफ। ये पीपीएफ क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ, हम थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। पीपीएफ दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ये आप नोट्स में ऐड कर लो, क्योंकि ये स्लाइड में मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने नोट्स में साथ में ये उसमें से लिख देना उसमें। तो बेसिकली ये हमें क्या बोलता है, ये हमें बोलता है कि हम क्या बेस्ट वे यूज कर सकते हैं, बेस्ट वी कैन डू टू यूज ऑल आर रिसोर्सेज वाइजली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक फार्म है, ठीक है, एंड हमें उसमें एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दोनों ग्रो करने हैं, एंड वी हैव लिमिटेड लैंड, लिमिटेड वाटर, लिमिटेड टाइम, तो पीपीएफ क्या होता है, ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक ग्राफ ड्रॉ करता है, इन सारी चीजों को कंसर्न में लेके हमें बताता है कि हम बेस्ट कौन सा वे यूज कर सकते हैं जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए। ये एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेगा ये, और अलग अलग जो एंड्स हैं ग्राफ के उसमें आपको दिखाएगा, अगर हम ओनली एप्पल एंड नो ऑरेंजेस ग्रो करेंगे, ठीक है, तो हमारी ग्रोथ कैसी होगी, या हम ओनली ऑरेंजेस या नो एप्पल्स ग्रो करें, ठीक है, या तीसरे केस में हम बोथ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स ग्रो करें, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए, एंड उनको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम अगर ओल्ड पीपीएफ जो हमने निकाला होगा उसको हम कंपेयर करेंगे न्यू पीपीएफ से, तो हमें पता चलेगा ग्रोथ हमारी कितनी हो रही है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ से। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज क्वालिटेटिव, ये आपको बताता है डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, ये इन पे बात करता है। ये ब्रिंग्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमी, ब्रिंग्स ओनली क्वांटिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमी। अब इसमें इफेक्ट में हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों क्यों लिखे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ग्रोथ भी आता है, ये इसमें इनबिल्ट है। ठीक है, अगर ऐसे देख लो, ये डेवलपमेंट है एंड ये ग्रोथ है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट किस वजह से हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई ग्रोथ तो हो रही होगी ना कहीं पे, चाहे कम हो ग्रोथ, कम डेवलपमेंट, ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन ग्रोथ जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट, इसीलिए हम बोलते हैं इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों आती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉवर्टी कम हो रही है, वो पॉवर्टी कम हो रही है वो आपको ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पे पता चलेगा, एक क्वालिटेटिव मेजर है। ठीक है, पॉवर्टी कम हो रही दैट मीन्स लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पैसा कहाँ आएगा, वो मार्केट में वो पैसा आएगा। अगर लोग बैंक में सेव करते हैं, बैंक क्या करते हैं, उसी पैसे से लोग बिजनेस फर्म्स को लोन दे देते हैं, ज्यादा लोन लेंगे बिजनेस फर्म, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी दैट मीन्स ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इसका मतलब जीडीपी इंक्रीज होगी, फाइन। तो हमारी जो डेवलपमेंट है ये हमें ये भी बताएगी कि ग्रोथ हमारी कैसी चल रही है, इसमें इसीलिए इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस जो है वो दोनों आते हैं। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब बस थोड़ा सा रहता है, हम जल्दी से इंडेक्सेस देखते हैं ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, कुछ इंडिसीज है यहाँ पे। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में अंडर द स्टेवर्डशिप ऑफ महबूबुल हक। ठीक है, अगर आपको वीडियो पे ये पीडीएफ क्लियर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे, वहां से आप पॉज करके फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, अगर आप इतना सारा याद ना भी रखो, आप इसमें याद रखो इसके कितने इंडिकेटर्स हैं एंड कितने डायमेंशंस हैं और वो क्या क्या हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्या क्या डायमेंशंस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसका पहला डायमेंशन है, एजुकेशन इसका एक डायमेंशन है दूसरा, एंड हेल्थ इसका तीसरा डायमेंशन है। ये डायमेंशन हुए। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम क्या क्या मेजर करते हैं,
रियल पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट पीपीपी टर्म्स, पीपीपी इज परचेजिंग पावर पैरिटी, दैट मींस इंसान के पास कितनी उसके पास कितना पावर होता है किन चीजों को परचेज करने के लिए, ठीक है, दैट इज योर परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इसके कौन कौन यहाँ पे देख लेते हैं, एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके हमने तीन डायमेंशंस देखे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया, एक एजुकेशन आ गया एंड एक आपका हेल्थ आ गया, ये इसके तीन डायमेंशन हैं, ठीक है। अब हम इन आई थिंक यहाँ पे विजिबल नहीं है, वेट मैं इसको दूसरी स्लाइड पे ही बना देती हूँ। यहाँ पे हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके मैंने आपको कहा तीन डायमेंशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इसके पास है एजुकेशन एंड थर्ड वन इज योर हेल्थ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें कैसे पता चलता है लोगों का इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं लोगों के पास पीपीपी, लोगों का कितना बढ़ रहा है, दैट मींस परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है कि लोग लोगों के पास क्या इतना पैसा है, वो कितनी चीजें परचेज करने की कुवत, कितनी चीजें परचेज करने की एबिलिटी ताकत रखते हैं, दैट इज अ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, रियल पर कैपिटा जीएनपी एट पीपीपी टर्म्स, जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, पर कैपिटा हो गया पर पर्सन, तो पर पर्सन का परचेजिंग पावर पैरिटी कैसा है। एजुकेशन हमें कैसे पता चलेगा, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है बच्चों के, अगर जैसे बच्चों का एक सर्वे किया गया उसमें से 10,000 बच्चे रखे गए, तो इनका एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के एटलीस्ट इनको अपने 6 साल तक स्कूल जाना चाहिए। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या था, क्या वो रियली में 6 साल तक स्कूल गए थे कि नहीं, तो वहां से हमें एजुकेशन या इसको नॉलेज इंडेक्स बोला जाता है, नॉलेज इंडेक्स का पता चलता है, एक्चुअल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसको मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। एंड हेल्थ, हेल्थ हमें कैसे पता चलता है कि इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि कितनी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल वो जिएगा। तो इसमें क्या आ गया, आपके तीन डायमेंशंस आ गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड चार इंडिकेटर्स आ गए, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो आपको एमसीक्यू में सीधे ये भी आ सकता है कि एचडीआई, एक तो ईयर पर पूछा जा सकता है, किसने डेवलप किया है इंडेक्स ये पूछा जा सकता है, कितने डायमेंशंस कितने इंडिकेटर्स है उनका नंबर भी पूछा जा सकता है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन दिया हो कि स्कूलिंग इसमें आता है, ठीक है, एंड हेल्थ इसमें आता है, एंड रियल कैपिटल जीएनपी वो एक लिखा हो, एक एम्पावरमेंट का लिखा हो, फीमेल एम्पावरमेंट का, तो इसमें से कौन से इंडिकेटर जो है वो एचडीआई में नहीं आते, ठीक है, इस टाइप का एमसीक्यू भी इसमें से आ सकता है। प्लस ये आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, अगर आप जनरल स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने आंसर को एक्स्ट्रा एज देने के लिए आप लिख सकते हैं, अगर आप एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, या हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं उसको कि इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ एचडीआई, ठीक है, तो ये आपके आंसर को एक्स्ट्रा एज भी दे सकता है। तो ऐसे ही हमें आगे के इंडेक्सेस देखने हैं, एसडीआई हो गया, फिर हो गया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको ईयर याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 20th एनिवर्सरी एडिशन, किसने किया था, बाय यूएनडीपी, एंड ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जो हमारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, उसमें इनइक्वालिटी मेजर नहीं था, फाइन, इस वजह से जीआईआई को लाया गया। एंड इसके क्या डायमेंशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 1, एम्पावरमेंट 2 एंड लेबर मार्केट 3, एंड इंडिकेटर्स क्या क्या है, एडोलसेंट फर्टिलिटी 1, कि कितनी फर्टिलिटी लेवल होती है एडोलसेंट्स में, मेटर्नल मॉर्टेलिटी दैट मीन्स बर्थ देते हुए कितनी फीमेल्स की डेथ हो जाती है, दैट इज योर 2, एजुकेशन अटेनमेंट क्या है 3, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स की कितनी है 4, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दैट मीन्स फीमेल्स कितनी पार्टिसिपेट करती हैं लेबर वर्क में, वर्क फोर्स में फीमेल्स कितनी है एज कम्पेयर टू मेल, दिस इज 5, दिस वेरीज बिटवीन 0 वेन वुमेन एंड मेन फेयरली इक्वल एंड 1, वेट इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, दिस वेरीज बिटवीन 0 व्हेन वुमेन एंड मेन आर फेयरली इक्वल, व्हेन वुमेन एंड मेन आर फेयरली इक्वल एंड 1 व्हेन वुमेन फेयर पुअरली, दैट मीन्स ये जो इंडेक्स है अगर इसका वैल्यू 0 होगा दैट मीन्स वुमेन इक्वल टू मेन ये ऑलमोस्ट इक्वल है, अगर इसका इंडेक्स 1 होगा
इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, दिस इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। फिर हो गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये किसने दिया था, ओफडी ने, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कब डेवलप हुआ था, जुलाई 2010 में, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन है, आप वो देख सकते हो। मेजरली आपको इसमें क्या याद रखना है, इसके डायमेंशन कौन कौन से हैं, हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड इसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं। हेल्थ का है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, दैट मीन्स 1 to 0 to 5 एज में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। न्यूट्रिशन क्या है बच्चों का, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, कितने चिल्ड्रन एनरोल करते हैं, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड, कुकिंग फ्यूल फ्यूल टॉयलेट वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोर एसेट्स, कि इन सब चीजों की अवेलेबिलिटी क्या है, तो वो किसमें आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड में। तो ये इसके डायमेंशंस हो गए, हेल्थ एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड, एंड ये सारे उसके इंडिकेटर्स हो गए। ये सारा फैक्चुअली है, इसमें कुछ ऐसा कंसेप्चुअल नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, ठीक है। आपको बस ये चीजें याद रखनी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका डेटा यहाँ से देख लो क्या क्या था, एंड इट्स बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स, यहाँ पे गलती से 3 लिखा हुआ था, 4। तो प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन जो अंडर नरिश्ड है, प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन जो अंडर वेट है, अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, एंड चाइल्ड स्टंटिंग, दैट मीन्स आपकी हाइट, चाइल्ड की हाइट क्या है एज पर दी एज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड स्टंटिंग स्टंटिंग। तो इन 4 इंडिकेटर्स पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है। फिर HSDI है, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक फोर्थ पैरामीटर ऐड किया गया है, दैट इज योर पर कैपिटा कार्बन एमिशन, पर कैपिटा दैट मीन्स पर पर्सन कार्बन एमिशन कितना है, इसको ऐड किया गया है टू द एग्जिस्टिंग 3 इंडिकेटर्स ऑफ, टू द एग्जिस्टिंग 3 डायमेंशंस ऑफ HSDI, ठीक है। फिर है फिजिक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, PQLI इसको बोला जाता है, ये डेवलप किया था डी मॉरिस ने, इसमें इतना ही याद रख लो, डी मॉरिस ने डेवलप किया था। एंड इसके इसको किस किस चीज पे मेजर किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेसिक लिटरेसी रेट, ठीक है, दैट मीन्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड कितनी है, एंड इन्फैंट मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, ठीक है, इसमें आप ये चीज याद रखोगे। फिर मिजरी इंडेक्स, ये डेवलप किया था आर्थर ओकन ने, नाम याद रख लेना, प्रिलिम्स के लिए एंड JKSSB के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, मिजरी इंडेक्स में इसमें ऐड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट रेट को इन्फ्लेशन रेट के साथ, कि महंगाई भी है और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो इन दो चीजों को जब इकट्ठे मेजर करेंगे तो वो हमें क्या देगा, मिजरी इंडेक्स देगा। इसको ओकन्स इंडेक्स भी बोला जाता है, ओकन्स इंडेक्स, और ये किसने डेवलप किया था, आर्थर ओकन ने, ठीक। एंड दिस इज नथिंग, जो हमने अभी तक पढ़ा था उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको वीडियो में ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, PDF जो मैं डाउनलोड कर दूंगी उसमें आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और ये मैंने इसमें इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो मेरे PDF से, हैंड रिटन नोट्स, तो ऐसे करके आप बनाओगे तो आपके लिए ईज ऑफ वो रिमेम्बरेंस हो जाएगा, एंड आपके रिविजन के लिए भी वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इनइक्वालिटी। देखो इनइक्वालिटी क्या होता है, कि अगर हमारे पास एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का प्रॉपर, या इनइक्वल एक्सेस है टू द रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल जितनी अवेलेबिलिटी मेरे पास है चीजों की, उतनी अवेलेबिलिटी किसी और के पास नहीं हो, या जितनी अवेलेबिलिटी आपके पास है, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, बेसिक चीजें हों जैसे फूड क्लोथिंग वगैरह, ठीक है, कुकिंग फ्यूल, ये जो हमने अभी सारी चीजें इंडेक्सेस में पढ़ी, वही सारी चीजें वो आपके पास अच्छे से अवेलेबल है, मेरे पास नहीं है, तो वो क्या डिटरमिन करता है, वो आपको बताता है इनइक्वालिटी कैसी है। अब यहाँ देख लो हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें से लॉरेंस कर्व, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन क्या डिपेक्ट करता है, कि लोगों के पास इनकम कितनी है, एंड इनकम के साथ साथ इनइक्वालिटी कितनी है, दैट मीन्स आपके एक गिवन पॉपुलेशन में वेल्थ कितनी है और उस गिवन पॉपुलेशन में इनइक्वालिटी कितनी है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जिस कोएफिशिएंट से डिराइव करते हैं 0 to 1, उस कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, गिनी कोएफिशिएंट। अगर गिनी कोएफिशिएंट हमारा 0 है, दैट मीन्स हमारी सोसाइटी में परफेक्ट इक्वालिटी है, एंड अगर गिनी कोएफिशिएंट हमारा 1 है, दैट मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी है, परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। इसको यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आपका, मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, ये आपकी पॉपुलेशन है, एंड दिस इज क्यूमुलेटिव इनकम। अब देखो इनकम यहां से इंक्रीज 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 हो रही है, और यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जो 99% ऑफ वेल्थ है वो 1% पॉपुलेशन के पास है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करो,
ऐसे करके ग्राफ बनाओ, तो जो ये वाला पॉइंट निकलेगा ये आपको दिखाता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड लोएस्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब अगर ये ग्राफ ऐसे होगा तो परफेक्ट इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, एंड जितना ही नीचे नीचे जाएगा ऐसे ऐसे हो जाएगा उतना हमारे पास इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। इसको हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी कोएफिशिएंट से आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, गिनी कोएफिशिएंट किस चीज से रिलेटेड है, गिनी कोएफिशिएंट क्या मेजर करता है, जैसे वो इनइक्वालिटी मेजर करता है, जैसे मैंने कहा 0 पे परफेक्ट इक्वालिटी, 1 पे परफेक्ट इनइक्वालिटी, एंड लोरेंस कर्व किससे रिलेटेड है, ठीक है। ऐसी सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये डेवलप किसने किया था, ये डेवलप किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है मैक्स लोरेंस ने इन 1905, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं, ये छोटा ही चैप्टर था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।